चलिए एक और एपिसोड ऑफ डीएम चर्चा के अंदर आप सभी का स्वागत है और यहां पर आज आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने वाला हूं इस डीएम चर्चा के अंदर। सो अगर आप भी जो है कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर एसईओ हो या फिर गूगल एड, मेटा एड, फेसबुक एड्स वगैरह का हो, यूट्यूब हो या कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो हमारे डिजिटल मंजीत के चैनल के कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और हर वक्त हर वीक में हमारे पास में एक बार मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेके आता हूं जिसका नाम हमने दिया है डीएम चर्चा। सो बेसिकली इस डीएम चर्चा के अंदर जो है आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में जिनका मैं अभी आंसर करने वाला। अगर आपके भी और क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यूट्यूब से गूगल एड देखकर अपना एड चलाना चाहिए? तो देखो ये डिपेंड करता है। यहां पर मैं पहले बता दूं 99% आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 1% इसलिए आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट मिल सकते हैं। हो सकता है जिस निश के ऊपर में सामने वाले ने, क्रिएटर ने एड बनाई है, सेम निश आपकी भी है, आपका भी वही टारगेट है जो सामने भी बताया गया है, तो ऐसे में आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 99% आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है वो बताता हूं। देखो यूट्यूब पे नो डाउट, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि क्रिएटर्स नहीं बताते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बट स्टिल जो व्यूवर्स हैं यानी कि जो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी क्रिएटर ने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है उसमें से जो वीडियो उसको अच्छे लगते हैं, जिसका थंबनेल अच्छा लगता है या जिसका टाइटल अच्छा लगता है वही देखते हैं, बाकियों को जो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल के अंदर बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता, उसको थ्योरेटिकली आपको चीजें एक्सप्लेन करी जाती है। अब क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करनी है तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, उसको देखते नहीं है, तो ऐसे में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल के रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड अगर आप करते हो तो पूरी प्लेलिस्ट को कवरअप करें, या फिर द बेस्ट पार्ट इज आप कोई भी एक अच्छा ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसका खुद का पेड गूगल का एड कोर्स हो उसको जाके आप परचेस करें और उसमें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी कंटेंट जो उसने प्रोवाइड किया है कोर्स के अंदर उसको जाके आप परचेस करें और परचेस करके बाद कवरअप करें डिटेल के अंदर, प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद जो है आप अपनी एड को रन करें, तब आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ई कॉमर्स में लैंडिंग पेज बनाया जाता है? देखो ई कॉमर्स एक ऐसी वेबसाइट होती है या कोई भी मार्केट प्लेस हो गया उसकी ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर आप हर प्रोडक्ट के लिए या हर सर्विस के लिए लैंडिंग पेज नहीं बना सकते। लैंडिंग पेजेस जो है वो अगर आपके पास में एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसके लिए हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं लैंडिंग पेजेस। लेकिन बात करते हैं अगर ई कॉमर्स की तो डेफिनेटली वहां पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा डायनेमिकली प्रोडक्ट जो है एडमिन पैनल से अपडेट किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, तो इतने सारे लैंडिंग पेजेस को बनाना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जितना भी एक प्रोडक्ट का जो पेज होता है उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से स्टफ करी जाती है कि आपको कोई भी लैंडिंग पेज अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसी के अंदर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी के अंदर पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, डाइमेंशंस वगैरह मिल जाते हैं, उसके अंदर ही रिव्यूज मिल जाते हैं, उसी के अंदर कमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि आपको जो ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए प्लस उसको जो है आप खरीद पाए, एक ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट हो या है नहीं है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली इसको डिजाइन किया जाता है। तो इसलिए ई कॉमर्स के अंदर जो लैंडिंग पेजेस की बात करें तो वो नहीं बनते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज की तरह ही उस प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज को डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं या रिव्यूज हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टफ करी जाती है। तो यही इसका आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड व्हिच वन
शुड वी यूज। ओके, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, आई वुड से शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में पहले तो डिफरेंस की बात करें। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की एग्जांपल जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तीन या तीन से कम वर्ड्स हैं, उसको शॉर्ट टेल बोलते हैं, और अगर तीन से ज्यादा मानते हैं तो इन जनरल की बात करें तो वो लॉन्ग टेल के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स से हमारा एक यूट्यूब, हमारा जो दूसरा चैनल है टेक गुरु मंजीत का, वहां पर हम एजुकेशन भी देते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो वहां पे एक कोर्स है CCNA 200301, ये कोर्स है। तो बेसिकली CCNA क्या है, एक नेटवर्किंग कोर्स है, तो उसके लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। अब डिपेंड भी करता है लोकेशन टू लोकेशन कि आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। अब मान लेते हैं इन जनरल मैं यहां पे बता रहा हूं कि CCNA 200301 या CCNA ट्रेनिंग, ये क्या हो गई, ये हो गया आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड। वहीं पे लॉन्ग टेल की बात करें तो CCNA ट्रेनिंग इन दिल्ली, CCNA ट्रेनिंग इन जोधपुर, राइट, जहां पे आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये लॉन्ग टेल के साथ में जो है आप जा सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे अगर बात करें शॉर्ट और लॉन्ग टेल, बहुत ही सिंपल है, तीन वर्ड से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है तो लॉन्ग टेल, तीन से कम है तो आपका तीन है, या तीन से कम है तो वो आपका शॉर्ट टेल। अब दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। लेट्स से अगर मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है एक मैंने उनसे एड जो है वो रन करने के लिए या एड के ऊपर में काम करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग SEO वगैरह करने के लिए मैंने उनका जो है काम उठाया। अब मेरे पास उनका कोर्स का नाम क्या, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां पे डिपेंड करता है कि वो जो मार्केटिंग है वो कहां पे करनी है, अपने क्या लोकल एरिया में करनी है, क्या सिटी लेवल पे करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करनी है, या स्टेट लेवल पे करनी है, या कंट्री लेवल पे करनी है, या कहां पे करनी है, ये देखना पहला इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर वो फिजिकली ऑफलाइन कर रहे हैं तो अगर आप नेशनल वाइड में जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होना। अब लेट्स से इंस्टीट्यूट कहां पे, जोधपुर के अंदर, और जो स्टडी करने वाला है वो कहां पर है, लेट्स से वो है विशाखापट्टनम में, वाइजैग में। अब वहां पे एड दिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, बेचारा इतनी दूर से एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने इतनी दूर तो आएगा नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर ऑफलाइन सीखनी है तो वहां पर भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल होंगे। तो इसलिए पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्ट्रेटजी है, जो आपका रिजल्ट आपको चाहिए वो कैसे चाहिए। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन में डेफिनेटली मैं सिटी लेवल पे नहीं, मैं तो बड़े लेवल पे भी जा सकता हूं। अगेन यहां पे लैंग्वेज बैरियर आ गया कि मेरा जो एड है वो, जो कोर्स है मेरा, वो हिंदी में है कि इंग्लिश में है, राइट, तो रीजनल लैंग्वेज में है या फिर जो है नेशनल लैंग्वेज के अंदर है, यहां पर भी ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि एक राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर, एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर मैं वो कोर्स पढ़ा रहा हूं, भले ही वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं हम, रीजनल लैंग्वेज राजस्थानी के अंदर अगर मैं पढ़ा रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसके लिए मेरे जो एड है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो ऑडियंस है वही मेरा टारगेट ऑडियंस होगा, तो मैं राजस्थान में ही करूंगा, राइट। तो ये कंडीशंस के ऊपर में वेरी करता है। अब इसके ऊपर में फिर पहली चीज ये देखी जाती है, दूसरा देखा जाता है कि अब जो हमारा टारगेट है तो उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरे कंपटीटर्स को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। अगर वो शॉर्ट टेल के ऊपर में रैंक कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टेल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टेल के अंदर क्या होगा कि आपको एक स्पेसिफिक आपका जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आप उस पे जो है जल्दी से रैंक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काफी सारी चीजों को समझना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाकर जो है हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि शॉर्ट टेल ही हमारे लिए सही है या फिर लॉन्ग टेल पे जाना पड़ेगा। आई होप गाइस कि आपको जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी डोमेन से हो, तो आप हमें हमारी डिजिटल मंजीत के चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डिटेल में क्वेश्चन को जो है लिख के दे दें, सो दैट की नेक्स्ट जो हमारी DM चर्चा है उसके अंदर मैं आपके लिए आपके क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकूं। आज की इस DM चर्चा के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक और नई DM चर्चा के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।